देखना चाहूँगी मैं होप मिरर फाउंडेशन एंड एकता मंच को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल टाइम में, जो करीब 2 साल तक एक लंबा समय रहा जहाँ पे हर इंसान परेशान था और ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको खाने तक नहीं मिल पा रहा था, एंड आई जस्ट सॉ द एवी द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन इज़ कमेंडेबल एंड मैं चाहूँगी कि ऐसी फाउंडेशंस आएँ, लोगों की हेल्प करें एंड इन वॉट एवर वे आई कैन कनेक्ट विद देम, बट इट्स लुकिंग वेरी गुड, इट्स गॉट ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर ओवर. सबसे बड़ा शो है जो जिसकी TRPs आर रियली हाई, सो आई न्यू दैट एवरी बॉडी इज़ वॉचिंग इट. थोड़ी कॉन्शियस थी बिकॉज सेम डे हमने रिहर्स किया, सेम डे परफॉर्म किया, बट इट्स कम आउट रियली वेल, सो आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस ऑन मी. थैंक यू. यस, आई एम सो लकी. एक्चुअली कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक हमारा गुजरात का लिखित गरबा जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो हमारे गुजरात के CM और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे स्थान मिला. और एक ह्यूमिनिटी का अवार्ड इसीलिए मुझे मिला है कि ह्यूमिनिटी पे आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे मेरे 45 मिलियन व्यूअर्स हो गए ह्यूमिनिटी सॉन्ग पे. सो इस सॉन्ग के लिए मुझे ऐसा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री से ऐसे ही प्यार मिलते आ रहा है, तो आई एम सो लकी, सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच. आप सबकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं और इतना अच्छे से काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. इट्स अ रिकॉग्निशन, इट्स एन अप्रिसिएशन. आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोस पीपल हु थिंक दैट आई डिजर्व द अवार्ड, सो थैंक यू सो मच. एंड आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. So nothing, this is one of my party wears which I just thought, maine khud ka makeup kiya and I love blues, purples, so I well already dhamal karke aa rahi hu. No, I already received the award and like you know ye sare jo ye jo bahut mere foundation hai, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं एंड बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है सबको. सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करना चाहते हैं जब एक रिकॉग्निशन मिलता है लोगों को, सो इट्स अ गुड थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक्स सो मच. मिला है मुझे अवार्ड फंक्शनों में तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, हर अवार्ड हम लोगों ने लिया भी है, पर आज ये जो अवार्ड मिला है बहुत ही प्यारा अवार्ड है और ख़ास करके यारी रोड में हमें मिला ये अवार्ड के लिए. मैं खास करके आप जितने भी मीडियाकर्मी हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस अवार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया और इस लायक समझा. और इस तरीके के अवार्ड अगर होते रहे समय समय पे तो एक इंसान का मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा आती है. मुझे भी ये मिलने के बाद मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं मैं अभी भी यंग हूँ और आप मेरे सामने हूँ. बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. एक गाना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी है वो गाना. अब वो माँ का नाम है तो कंट्रोवर्सी नहीं कहूंगा, क्योंकि गाना था कि आज से 93-95 से पहले हमने एक गाना किया था जिसका नाम था गुलशन कुमार जी पे ही गाना पिछड़ा था हम लोगों का. नवरात्रि का मौसम है तो मैं वही गाना गाना चाहूँगा और उस गाने को अभी रिक्रिएट करके जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया है. मगर ओरिजिनल गाना जो है वो ये है. मैं बालक तू माता शेरवालिए है अटूटिए नाता शेरवालिए हो. मैं बालक तू माता शेरवालिए है अटूटिए नाता शेरवालिए शेरवालिए माँ मेहरवालिए माँ. जो आशीर्वाद होप मिरर फाउंडेशन ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और उससे पहले जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो काम करती आ रही है, बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने. और कोरोना के दौरान जो इन्होंने सेवा की है, वो तो सेवा भाव व्यक्त किया है, वो बहुत बेहतरीन रहा है. और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उज्ज्वल भविष्य के लिए, ऐसे ही ये सेवा करते रहें. और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के दौरान
जिन जिन लोगों ने मेहनत की, अपना सहयोग दिया, उन सबको आज सम्मानित किया जा रहा है और चुन चुन के सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। वेल, होप मिरर फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एकता मंच का कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कभी भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड स्पेशली समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉर टू मेकिंग लाइफ बेटर फॉर द पीपल। जैसे मैंने स्टेज पर कहा, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास का जो कहता है कि काम काम की बात है काम का करो विचार, काम काम की बात है काम का करो विचार, एक काम शीतल करे एक काम करे बार। सो दिस काम जो है ये शीतल करता है। होप मिरर फाउंडेशन का जो काम है इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क, और उनसे अगर सपोर्ट मिले तो इट फील्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रिशीना कंधारी और होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से आज मुझे अवार्ड मिला है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई रियली फील ग्रेट कि गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स मुझे मिला है। जिस तरह से यू नो सभी लोग कोरोना काल में सब लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, उसी तरह इन लोगों ने भी किया है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर देम बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसमें सक्षमता होती है यू नो दूसरों की हेल्प करने की उन्हें करना चाहिए। वेल, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, बिकॉज व्हाई आई हैव गॉटन दिस अवार्ड इज़ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सोशल वर्क किया है ड्यूरिंग कोरोना। आई हैड यू नो पुट इन माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू सर्व अ लॉट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। हमारे ऑफिस में हम लोगों ने एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया था और वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 400 लोगों का खाना रोज़ बनाते थे और तकरीबन 5-6 महीने तक हमने यू नो रोज़ उन लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे छोड़ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी जो 15-20 लोगों की टीम थी वो कहीं नहीं गए और वो मेरे ही ऑफिस में रहते थे। एंड यू नो खाना बनाने से लेके खाना पैक करने से लेके उन्हें गाड़ियों में भरने से लेके उन्हें जाके हर एक ब्रिज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके यू नो सब लोगों का, सारे छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट्स और यू नो दूध के कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके हिसाब से कर सकते